हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ। देख सकते हो मेरा हाथ में तगारा है और इसमें मैंने दोस्तों सीमेंट घोल रखा हूँ। और इस सीमेंट से मैं क्या काम कर रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने सीमेंट लगा रखा हूँ जो ये है ना गैप पड़ रही दोस्तों। ये देख सकते हो इस जो दरवाजे में सारी जो गैप है ना ये सब पैक कर रहा हूँ। क्यों पैक कर रहा हूँ दोस्तों तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि दोस्तों मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बाहर से बाइक जाती है, कोई लोग जाते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उनकी जो आवाज़ है वो यहाँ तक आती है अंदर। मैं यहाँ पर बैठ कर दोस्तों इस जगह पर बैठ कर ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो के लिए। दोस्तों क्या है कि ना बाहर से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं इसको ना इस गेट को अच्छे से बिल्कुल पैक कर लूँगा, फिर बाहर से आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं कैसे पैक कर रहा हूँ वो आप लोग इस वीडियो में देखिए। तो मैं स्टैंड को भी सेट कर देता हूँ मोबाइल को अच्छे से, ये देख सकते हो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना। ये देखो इस तरह से मैंने इसको पैक कर दिया हूँ। ये सीमेंट मैंने गोल रखा हूँ और इसी दोस्तों ये ब्लैक सीमेंट है जिसमें मकान बनाते हैं, उसी सीमेंट से मैं ये जो दर्ज है ना गेट की, ये लोहा का गेट है दोस्तों इसमें ये दर्ज पड़ी हुई है, इसको मैं पैक कर दूंगा अच्छे से। अभी ये रुकेगा या नहीं रुकेगा वो तो बाद में मालूम चलेगा, अभी फिलहाल मैं इसको पैक कर रहा हूँ। तो देखते रहिए आप वीडियो। देखो ये रहा सीमेंट, सीमेंट और ले लिया हूँ। सीमेंट क्या है दोस्तों थोड़ा कम पड़ गया था ना इसीलिए मैंने और सीमेंट ले लिया हूँ। अब यार थोड़ा दूर रख देता हूँ ताकि मैं भी अच्छे से दिख सकूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो सीमेंट है ना सीमेंट और इसमें पानी मिला रहा हूँ। ये देख सकते हो ये पानी रखा हुआ है और ये सीमेंट है। और दोस्तों जो लोग जिन लोगों के पास पैसा होता है वो दोस्तों कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा दरवाज़ा के लिए पैकिंग दरवाज़ा के लिए बहुत ही महंगे महंगे दरवाजे बनते हैं, गेट बनते हैं, तो उसको वो लोग बनवा देंगे कांच का एल्यूमिनियम का और उसमें रबड़ लगे रहते हैं ना, तो कोई बाहर की हवा या आवाज़ में बाहर अंदर नहीं आती दोस्तों। तो उनके पास तो पैसा रहता है तो वो लोग अच्छे से दरवाज़ा बनवाते हैं बढ़िया एकदम पैकिंग वाला ताकि बाहर से आवाज़ नहीं आए दोस्तों। पर हमारे पास इतना पैसा नहीं इसीलिए देसी जुगाड़ करके दोस्तों ये काम कर रहे हैं। तो क्या बताइए सफल होगा या नहीं होगा वो तो बाद में मालूम चलेगा, अभी मैं कर रहा हूँ काम। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो के साथ।
दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार मैं इस दरवाजे में ये सीमेंट भर रहा हूँ, जहाँ ये दार दार है ना, जहाँ इस तरह से पहले गैपिंग थी, यहाँ पर देखो दोनों साइड है ना, ये गैप दिख रही है ना, तो अब ऊपर देखो बिल्कुल ये गैप पैक हो चुकी है। तो मैं इस पूरे दरवाजे में इसी तरह सीमेंट भरने वाला हूँ। ये देखो एकदम लग रहा है ना बिल्कुल पैकिंग, ये धारे ऐसे दिखने रही है। तो बने रही इस वीडियो को, बने रही इस वीडियो के साथ, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैं ये चश्मा है तो भर दिया हूँ। अब क्या है दोस्तों, इसमें जो हाथों से भरा था तो पॉलिश अच्छे से नहीं आई थी, तो मैंने लिया थैली दोस्तों, और इसमें पानी दोस्तों। तो इस थैली को पानी में भिगो भिगो कर उसके ऊपर मैं अच्छे से घुमा रहा हूँ, ताकि इसमें अच्छे से पॉलिश आ जाएगी दोस्तों। जब कलर करूँगा ना तो कोई उचक निचक नहीं रहेगा, अच्छे से पॉलिश आ जाएगी दोस्तों, इसीलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ।
दोस्तों ये देखो पूरा कर दिया हूँ कंप्लीट। अब क्या कि दोस्तों की खेट के जो आगे है एकदम बिल्कुल गैप नहीं रही है, पूरा मैंने सीमेंट को ये देखो भर दिया हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और कैसा रहा मेरा ये जुगाड़ दरवाजे की गैप भरने का, कमेंट करके बताना दोस्तों।